ईदगाह विवाद मामले से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज भी अहम सुनवाई का दिन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष दलील रखने वाला है। साथ ही साथ जानकारी ऐसी विवाद का निपटारा केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में संभव है। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील रखी गई है और ये कहा गया है इस मामले का जो निपटारा है केवल वक्फ ट्रिब्यूनल से संभव है, यानी कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। आशीष, क्या कुछ आज कोर्ट में होना है और मुस्लिम पक्ष की दलील का क्या मतलब है? देखिए, दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से दो अहम दलीलें अदालत के सामने रखी गई। पहली दलील ये है कि ये जो पूरा मामला है इसकी सुनवाई अदालत में, यानी इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं होनी चाहिए बल्कि इसकी सुनवाई जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें होनी चाहिए। दूसरी अहम बात, मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि चूंकि ये सारी संपत्ति वक्फ की है इसलिए कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल ही इस पूरे मामले का निपटारा कर सकता है। तीसरी अहम बात, उन्होंने कहा कि इस मामले में सबसे बड़ी जो अड़चन है वो समय सीमा है, यानी जब अगर कोई मैटर किसी के हक में जाता है सिविल मैटर तो उसमें 3 साल की समय सीमा की मियाद होती है। चौथी अहम बात, मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि 1968 में जन्म संस्थान द्वारा एक समझौता किया गया, 1974 में एक मामले की सुनवाई के दौरान जो निचली अदालत थी उसने भी समझौते पर मुहर लगाई, उसकी मियाद केवल 3 साल होती है जबकि इन्होंने जो याचिका दाखिल की थी वो 2000 में फाइल की थी। चौथी अहम बात, उन्होंने कहा कि चूंकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण उस समय पक्ष नहीं थे, मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक जैविक व्यक्ति है लिहाजा वो समय सीमा की जो मियाद का पूरा मामला है यानी 3 सालों का जो मामला है जो कानून है वो उन पर भी अप्लीकेबल होता है। अब हम हिंदू पक्ष ने जो कहा था उस पर आ जाते हैं ताकि व्यूवर्स को क्लियरिटी आ जाए। हिंदू पक्ष ने यह कहा कि चूंकि ये पूरा मामला जो है वो वक्त ट्रिब्यूनल में नहीं आता, वक्त ट्रिब्यूनल में मामला तभी जाता है जब दो मुस्लिम पक्षों के बीच में यानी दो मुस्लिम लोगों के बीच में अगर संपत्ति का कोई जमीनी विवाद हो तो। दूसरी अहम बात, चूंकि इस मामले में 1968 में जो समझौता हुआ था जन्म संस्थान में उसमें श्री कृष्ण विराजमान पक्ष नहीं थे। तीसरी अहम बात, उनकी तरफ से ये कही गई कि श्री कृष्ण विराजमान को इसमें पक्ष ना बनाकर उनके साथ भेदभाव किया गया है लिहाजा उन्हें भी अपनी अर्जी दाखिल करने का अपनी बात को कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। चौथी अहम बात, जो 1968 का समझौता था जन्म संस्थान का वो पूरी तरह से इनलीगल था, गैर कानूनी था क्योंकि जन्म संस्थान की केवल ये एक जिम्मेदारी थी कि आप पूरे परिसर की देखरेख करिए ना कि आप समझौता कर लीजिए। पांचवी, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मुकदमा है लिहाजा केवल एक ट्रस्ट किसी भी करोड़ों हिंदुओं के बिहाफ पर जाकर समझौता नहीं कर सकता। तो ये 5 अहम बातें हिंदू पक्ष की तरफ से कही गई हैं। क्योंकि अब इस पूरे मामले में अंतिम बहस की तरफ ये पूरा मामला चल चुका है तो पहले हिंदू पक्ष ने बहस की थी, अब मुस्लिम साइड की तरफ से यानी शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बहस जो है उसकी शुरुआत की गई है और उसी कड़ी में आज भी मुस्लिम साइड की तरफ से इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा जाएगा। नजर आप रखिएगा इन सभी मामलों पर। आशीष, आपके लिए ये जरूरी भी है कि इन मामलों का अपडेट हमारे दर्शकों तक आगे पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका ये सभी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे